छोटे छोटे बच्चे हमारे को ले सुबह सुबह आके हरास करते हैं, बराबर गवर्नमेंट लेवल था सर। आप देखना, आप देखते नहीं ये लोगों पर पूरे के पूरे एक्शन बराबर लेना। हमारे को जो ने तकलीफ दिया हमारे भाग है, नोटिस नहीं दीजिए, कुछ नहीं दीजिए। पुलिस वाले समझे ना, कंपनी वाले पीछे ने लेदर कंपनी एमडी का नाम क्या है, कितना पुराना है घर अपना श्रीनिवास नायक, पुराना 1935-40 का है समझ पाइए सर। क्योंकि मेरे दादा भी मेरे जिससे वाले इसी में हमारे को नोटिस नहीं दीजिए, कुछ नहीं दिया हमारे को सर। ये देखना ही है, छोटे छोटे बच्चों को पूरा सामान मेरा यहाँ का यहाँ है, वीडियो लेकर बदवा लगेंगे लोग पूरे हमारे को दक्षिण देना पड़ा अच्छा लेना सर। आज जो है सो सुबह में 7 बजे विश्वास यानी इंटीमिडेशन कुछ पुलिस ऑफिसर को ले लेके जीएचएमसी वाले और लिटका वाले मिलकर मेरा घर डिमोलिश करने का है विदाउट कोर्ट ऑर्डर, विदाउट डूइंग एनी प्रोसेस। और मेरा जो है हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मेरे स्टेटस को ऑर्डर है मेरे को, और जो है सो रिट पिटीशन मेरा पेंडिंग है। क्या रिट पिटीशन नंबर? रिट पिटीशन नंबर 9770-2024 रिट पिटीशन पेंडिंग है मेरी। यहाँ पर इलीगली ये लोग जो है सो हमारे पास डिस्पोजेस करना चाह रहे हैं जी। ये पूरा घर है आपका? ये पूरा मेरा घर है, ये हम लोग 80 साल से यहाँ पर घर में रहते हैं। मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर यहाँ पर फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट करे 1943 में। क्या है फैक्ट्री का नाम? हैदराबाद टेनरीज में ग्रेट ग्रैंड फादर फैक्ट्री फॉर्म करे थे, 57 एकड़ हमारा लैंड है इधर। इलीगली आके हमारे को डिस्पोजल करने के वास्ते इनके आपके एमडी श्रीनिवास नायक अलॉन्ग विथ अदर ऑफिशियल्स मिलकर आके हमारे को हरासमेंट करे। मासूम मेरे बच्चे रात सुबह 7 बजे नीरव में उठा के पूरा सामान बाहर फेंके, मेरा पूरा डिमोलिश करे, बता दो मैं रहा हूँ। लीगली आके मेरे को डिस्पोजल करने की पूरी कोशिश करे, पूरे पुलिस ऑफिसर्स को लेकर सामान रोड पे करे सर। मेरे मासूम बच्चे थे, जबरदस्ती करे सर, मेरे घर वालों को जबरदस्ती घर के बाहर निकाल के ये पूरा सामान पूरा बाहर फेंके, पूरा सामान बाहर फेंके। कोई इंटीमेशन नोटिस दिया आपको? इंटीमेशन नोटिस नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। हाईकोर्ट में केसेस पेंडिंग है, मैं ये लोग को बोला कुछ ऑर्डर है, बोला कोई स्टेटस को ऑर्डर भी है वहाँ के, मैं बोला स्टेटस को ऑर्डर भी है बोल के बोला उनको। बोलने के बाद डिमोलिश के कुछ ऑर्डर है तो वो भी बताओ के बोला, वो लोग वो भी नहीं बता रहे। इतनी गाली आके मैं हरासमेंट कर रहे हैं। और एक बात ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो रिट पेंडिंग है ना, अपोजिट एडवोकेट भी आके ठहरा हुआ है वहाँ पर। ओके, क्या नाम है उनका? लाला रामू नाम है उनका, उन्होंने भी आके ठहरा हुआ है। उन्होंने पूरा ऐसा पूरा मेरे को परेशान कर रहे हैं लोग। ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट सीएम साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ साहब, हायर ऑफिसर्स को बोल के रुकाइए, और इसके अंदर जयेश रंजन साहब मेरे को बुलाए, बुला के जो है सो फोन करके बुलाए। मैं नहीं गया तो मेरे दूसरे दिन 20 जनों को मेरे घर पे पूरी भिजा दिया और डिमोलिश करते हुए, फिर मेरे को नोटिस दिए। मैं जाकर उनसे बात करके आया, उनको पेपर सब बताया, जो भी एक कोर्ट के हिसाब से हम काम करते हैं बोले हम भी कोर्ट का पालन करेंगे। अगर मेरे खिलाफ में ऑर्डर आया मैं खुद घर खाली करके चले आया। आपको जयेश रंजन को नोटिस में कुछ मार दिए बोल के भी सुने हम? मैं कुछ 2020 में मर गया बोल के लिखे, मेरे फादर मेरे को सन बता दिए, सन को फादर बना दिए। और आप एम्प्लॉय था बोले, मैं कैब में एम्प्लॉय था ना, न मेरे फादर एम्प्लॉय थे। तो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी? मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है पूरी। ओके, तो ये कितने सर्वे नंबर से है? ये पूरा 1241 सर्वे नंबर से 37 एकड़ 1 घंटा से पूरा लाइन। कितनी है, कौन से विलेज में? रायदुर पाई का विलेज में है। ओके, ये मंडल कौन सा लगता? शेरलिंगमपल्ली मंडल रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। ओके फाइन, ये पूरा सामान पूरा रोड पे बिखरा दिए, बासुन बासुन बच्चे बासुन उठा के नीरव में से उठा के पूरा करा दिए। घर के रोड पे आ गए, पूरा रोड पूरा डिमोलिश कर दिए। अंदर से घर बता सकते हैं आपका? बिल्कुल बता सकते हैं, अंदर से घर आइए। पूरा इधर हमारा किचन था और वॉशरूम था, वो पूरा डिमोलिश कर दिए। ओके, इधर हमारा किचन है और इधर एक रूम है, जबरदस्ती पूरा सामान खाली हुआ है। यहाँ भी एक रूम है, ये भी एक रूम है, वो भी एक रूम है।
और आपका डीवीआर सीसीटीवी कैमरा था। सीसीटीवी सर्वेलेंस था, पुलिस वाले लेके उनकी गाड़ी में रखी है सीसीटीवी सर्वेलेंस और डीवीआर पूरा। ओके